हैं तो घर के बारे में आपको वैसे नहीं पता, मतलब आपको किताबें बताएंगे कि हमारे घर में क्या चल रहा है। DGX गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, कहा मेरा ओलू, कहा ओलू ओलू वहां अंदर भूसा पड़ा है। सुबह तो मेरे साथ ही सो रहे थे भाई साहब, सुबह से गलत सो गए हम दोनों, मतलब 4:30 तो मैं ही सोने गया हूँ और ये उसके बाद मेरे कमरे में ही आ गया। मेरे को भी जाना था मम्मा पापा के साथ, बट प्राउडली सेइंग मैं नहीं जा पाया। ऑब्वियसली क्या ही प्राउडली सेइंग भाई, लानत है मेरे ऊपर इन चीजों में। ठीक है, ऊपर से घर में कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं बना है, मेरे से कोई पूछता ही नहीं। कल चिकन आया था, मैंने कहा चिकन खाऊंगा, आज भी मैं चिकन ही खत्म कर दिया। लोगों ने ग्रेवी बची थी, ग्रेवी भी खत्म कर दी। पहले होप थी सुबह ग्रेवी, मैंने कहा चलो ग्रेवी के साथ रोटी खा लूंगा, ग्रेवी भी नहीं छोड़ी, कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए। ओलू देख रहा है, देख रहा है ओलू, देख रहा ना तू, देख रहा ना, यही हो रहा है हमारे साथ, इम्पोर्टेंस का खेल है भैया। बट कोई बात नहीं, आज से हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं बोर्ड्स की अपनी, फाइनली फिनली गाइस फिनली पढ़ाई चालू हो रही है। बोर्ड पढ़ाई का डिस्कशन तो चल ही रहा था, बट अब चालू भी हो रही है। हाँ, क्यों करनी है भाई, पेपर अगले महीने से, अगले के अगले महीने से, एक्चुअली अभी तो फेब भी चल रहा है तो अगले के अगले महीने से, बट स्टिल पढ़ाई करनी है। देखो दीदी को, देखो दीदी और मैं ओपन से दे रहे, दीदी कितनी डेडिकेशन से पढ़ रही है। अब मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए आज मैं प्रिंट निकालता हूँ और एक सैंपल पेपर तो कर ही लेता हूँ, या बिना प्रिंट निकाले ही कर दूंगा, मेरे को वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। बट आज से हम पढ़ाई जरूर करेंगे, ये हमारा वचन ही, और मेरा वचन ही है शासन। हाँ, ऐसे कुछ बोलते ना बाहुबली में, भाई कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं है भाई घर में, कसम से। सेवइयां बना दी मैं खाता हूँ नहीं, आलू गाजर बना दिए मैं खाता हूँ नहीं, बाहर से मंगा लेता, लेकिन दिक्कत ये है मम्मा को बोलूंगा मंगा दो कुछ तो मैं गाली खाऊंगा, क्योंकि उनके साथ गया नहीं मैं, सीन ये है। सो एट दिस पॉइंट मैं फंस चुका हूँ गलत, मैं बहुत ही गलत फंस चुका हूँ, एंड आई रियली कांट हेल्प इट राइट नाउ। भाइयों देखो मेरे को आते हैं कॉल, बट मैंने कहा मेरे को ब्लॉग भी चालू करना, तो मैंने ना कॉल उठाकर बोला मेरे को 2 मिनट तो मैं कॉल बैक करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग इम्पोर्टेंट हो, आप लोग इम्पोर्टेंट हो, कॉल आते जाते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोग इम्पोर्टेंट हो। आप लोगों ने मेरा डाउनर से डाउनर भी देखा है, हायर से हायर भी देखा है, और अभी जितने भी हायर डाउनर आएंगे सब देखते चलोगे। सो आप लोगों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप लोगों से फुल बातचीत। क्या बोल रहे भाई, जिम तो जा सकते हैं, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं, क्योंकि हमारे स्लीप शेड्यूल की लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमें बस गाली खाने का शौक हो चुका है, आदत हो गई है। क्यों? क्योंकि हम बेशरम हो चुके हैं, हमें हम आदत से मजबूर हो चुके हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें फैलाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, करेंगे एट द एंड यही कि घर वालों की गाली खाएंगे और घर पे खाना खाएंगे, 2 रोटी तोड़ के सो जाएंगे, यही करेंगे, वीडियो शीडियो बना लेंगे, लेकिन वैसे कुछ नहीं करेंगे प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव हम करके दिखा दें, मैं नाम ना बदल दो मेरा, प्रोडक्टिव चीज है, वंच गई। अरे ना यार, ऐसे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो जाएगी, मैं बताओ दीदी यार, बात करो, जाओ निकलो। अरे पढ़ाई कर रही है दीदी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? ओए होए होम साइंस, इसमें होता क्या है, मैंने आज तक पढ़ी नहीं ना। घर के बारे में हैं? तो घर के बारे में आपको वैसे नहीं पता, मतलब आपको किताबें बताएंगे कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या बात है ये, अरे पागल हो गए नहीं लगे भाई, जेन्युइनली बताओ कह रही घर के बारे में बताएंगे, 4-5 साल से हमारे घर पे है दीदी, मतलब पता भी है नहीं पता, तभी तो पूछा ना मैंने, तभी तो पूछा आपने, कहा ना घर के बारे में A to Z। हाँ A to Z, तो आपको A to Z नहीं, हमसे ज्यादा तो आपको पता है इस घर में चीजें क्या रखी हुई है। अभी मैं एक कैबिनेट खोल दूंगा, दीदी को पता होगा इधर ये रखा हुआ है, इधर ऐसे इस पोजीशन में ये है, इस डब्बे में ये है, और मेरे को तो पता ही नहीं क्या रखा हुआ कहाँ। खाली चीजें रखने से होम साइंस नहीं, फिर क्या होता है और बताओ, चलो बताओ, आज बताओ, आज मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, बताओ। हटो यार, ना ना बताओ, बताओ परेशान हूँ, ना ना बताओ क्या होता है होम साइंस, बताओ मेरे को, बताओ। वो बड़ी बड़ी वो क्या, वो ढींगियां मारनी है कि हमें पता है, हमें पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, है ना ओलू। अच्छा चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हाँ, तुम अपना घर बनाने के टाइम पे कौन सा 4 चीज देखोगे? जमीन, पैसा, लोकैलिटी और डिजाइनर। मैं तो यही देखूंगा, आप क्या देखोगे? जरूरी चीज तो ये जरूर, अच्छा मकान ऐसी बन जाएगा, पैसे पूछने की बात नहीं है, जरूरी चीज। क्यों पैसे की बात कर, बिना पैसे के मकान बन जाएगा, बिना पैसे के जमीन आ जाएगी। देखूंगी सबसे पहले रोड साइड में घर होना चाहिए, घर के वो चलो लोकैलिटी, वो लोकैलिटी में आ गया, घर के सामने मार्केट होनी चाहिए, जान पहचान वालों के सामने होनी चाहिए, कोई भी। दीदी मैं आपको सीधी बात बताऊं, सीधी बात बताऊं, नहीं अगर इतना पैसा हो ना, खुद का बंगला बनाना हो, तो बंदे को चिंता नहीं करनी होती। और मार्केट क्यों चाहिए मेरे को घर के सामने? ब्लिंकिट नहीं है मेरे पास, फोन में ऐप नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं है तो वहाँ घर ही नहीं बनाऊंगा मैं, सिंपल ये। अरे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, घर ही नहीं बनाऊंगा मैं। अरे जाओ यार, अरे यार मैं बता रहा हूँ, ये एग्जामिनर ना उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ना कॉमन सेंस वाला आंसर देना होता है। दीदी अगर वो फेल करते तो उससे बोलना एज पर द लॉ,
योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. आपने जो क्वेश्चन पूछा वो मेरे कंफर्ट जोन के ऊपर था और मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको आंसर दिया और आपने मेरा नंबर काट दिया. आंसर दे दिया और मुझे वही चीजें चाहिए सबसे ज्यादा. अच्छा आपको वही चाहिए. हाँ. सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है ना. देखो आपको चाहिए कि आपके घर के सामने मार्केट हो. मेरे को चाहिए, मेरे को मार्केट की जरूरत नहीं, मैं ब्लिकेट करा लूंगा. आप कह रही वो भी नहीं है तो मैं उधर घर ही नहीं लूंगा. सिंपल बात है. देखो कॉमन सेंस है यार. कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन इन पीपल बट सीमा दे आर ए के बंगाली द ब्लैक मैजिक डजंट नो एनीथिंग. मैंने अपना घर बनाया दीदी. वैसे आजकल ना आजकल अरे सुनो आजकल इंस्टाग्राम पर मीम चल रहा है काले जादू का बोर्ड में पास कैसे होना है. हाँ आप तो कर दीदी कर लो यार. आपको तो प्रैक्टिस हो गई. आप सामान बताओ मैं क्या क्या लाना है. मैं आज ले आता हूँ. आज रात को 12 बजे बैठे हैं पूरा काला जादू करते समृद्धि करते हैं उसकी. भाई दोनों पास, दोनों भाई बहन पास, गलत लेवल पास. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. और टॉप ऑल इंडिया वन रैंक पाएंगे. ऑल इंडिया वन रैंक पाएंगे. आप फर्स्ट में सेकंड क्योंकि आप बड़ी बहन हो ना तो आपको पहला दर्जा दे दिया मैंने भाई. और ये मैंने सोचा क्यों नहीं. लेकिन बलि भी तो देनी होती है उसमें. तुम्हारी दे दे यार. मेरी गर्लफ्रेंड यार वो मेरे 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 प्यार में चूड़िया तोड़ लेंगी. चूड़िया तोड़ लेंगी. चूड़िया तो तोड़ेंगे दूसरे आ जाएंगे. अरे वो हाथ वात काट लेंगे. अरे नहीं यार वो हाथ वात काट लेंगे. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं यार. नहीं ऐसे नहीं. मेरी नहीं. एक काम करेंगे किसकी बलि दे सकते हैं. चूहा. अपने घर में चूहा या छिपकली हो ना उसकी बलि दे देना. देखो बलि तो चाहिए, खून तो चाहिए, चाहे वो चूहे का हो छिपकली. हम देखो अपनी फैमिली में किसी की बलि नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि हम सबसे प्यार करते हैं. लेकिन चूहा और छिपकली से तो हमें घिन मचती है. लाकर गया चिकन ले आऊंगा पकड़ के. चिकन तो हम खाते भी हैं. चिकन की बलि चढ़ा देंगे. हाँ चिकन की बलि चढ़ा देंगे. देखो मतलब फालतू की बात है, कुछ भी करा लो. बस कंटेंट निकालना है ना, इसलिए फालतू की बातें हुई हैं. अब रुको 5 सेकंड बचे तो मैं पूरे 6 मिनट के कंटेंट पे बंद करूंगा. दो ओके नेक्स्ट क्लिप. डोमिनोज वालों ने 30 मिनट गारंटी ली है. ठीक है जो ला 50% फ्री ऐसे जो 30 मिनट में फ्री डिलीवरी वाली. ठीक है डिलीवरी फ्री नहीं करते. अब 300 रुपए ऑफ करते हैं ये लोग. ठीक है मतलब वो 300 रुपए के पॉइंट्स. और ये नहीं अगर सीओडी होता तो एक बार को दे देते लोग कैश या पेटीएम. लेकिन सीओडी नहीं है मेरा, पेड है ऑनलाइन. तो मेरे डोमिनोज वॉलेट में 300 रुपए डाल रहे हो 30 मिनट गारंटी के बाद. और मेरे को डोमिनोज वाली दीदी ज्ञान दे रही है कि सर ये ना 5 बेक्ड आइटम्स में ना हमेशा वार्निंग नहीं आती. अब झूठ बोल रहे हैं. मैंने येलो स्क्रीन शॉट मेरे को बता रहे हो. मैं जो बचपन से डोमिनोज खा रहा है उसको 30 मिनट गारंटी वाली पट्टी पढ़ा रहे. मेरे को पता किन ऑर्डर पे आती है किन पे नहीं आती है. तो मेरे को मत बताना ये दीदी. नो 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 चीटिंग विद मी. मेरा हमेशा ऑर्डर 20 मिनट में आ जाता है घर पे डोमिनोज का. और अभी 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है और अभी तक ऑर्डर नहीं आया है. मैंने अरे मत्था पचाई ज्यादा करी नहीं. मैं तो इस फिराक में था कि इनको बोलकर मैं 300 रुपए कैश ऐट लूंगा इनसे. ठीक है बट ये भी गिव अप करने वालों में से नहीं. और मेरा दिमाग खराब हो रहा था. मैंने कहा मेरा पिज्जा तो आया, पिज्जा भी नहीं आया अभी तक. 300 रुपए भी नहीं मिले. उन्होंने कहा वॉलेट में आ जाएंगे. मैंने कहा भैया डालो डालो फिर कभी जब मन करा पिज्जा मंगा लेंगे फ्री का. डालो तुम. और क्या बोलूं यार मैं. तेरा दिमाग कौन लगा इन लोगों से. चलो भाई मम्मा का एकदम से कॉल आया. मैं तो नीचे उतरने की प्लानिंग में रहा था. मम्मा का कॉल आया कि इधर मॉल जाओ डीएलएफ सामान लेके आना उनका. तो मैं चला डीएलएफ और जीजी का भी कुछ सामान था मुसीमत उत्ती से लेना था मेरे को. तो मैंने एक बार डीएलएफ जा रहा हूँ, दोनों काम ही कराता हूँ. आउटफिट दे देता हूँ. एस्ट्रो वर्ल्ड वाली टी शर्ट ट्रैवल स्कॉट की, जैकेट पापा की है, जीन्स टाना जी की जो बूट कट थी और नीचे फिर मैंने बूट कट पहनी ना तो मैंने बूट्स ही पहन लिए. क्योंकि ब्राउन बूट्स मैं ज्यादा पहनता हूँ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पहनना चाहिए. रगेड यूज थोड़ा इनका कर देना चाहिए. और मेरे पास ब्लैक बूट्स हैं, ब्राउन बूट्स भी हैं और मेरे को इनको संभाल कर रखना चाहिए. बट थोड़ी सी इनकी बैंड बच गई है और मैं शायद नए बूट्स लूँ वापस. कि जिस बंदे से मैंने लिए थे ना, जिस शॉप से लिए थे, सब प्योर लेदर. कुछ नहीं होगा भैया. 3 वेयर में ख़त्म से हो गए. तो मतलब 8-9 हज़ार का अच्छा खासा फटका लगा मेरे को. पर ठीक है कोई बात नहीं भाई, जो है सो है. और मैंने अब नोटिस किया तो भाई शिट भाई तो खुल रहे हैं साइड से. हाँ इतने टाइम बाद मॉल आया हूँ. एक टाइम पे जब आदत लग जाती है ना एक जगह आने की और उसके बाद तुम वो छोड़ देते हो और फिर बहुत टाइम बाद आते हो तो ना अजीब सा लगता है. बड़ा अच्छा लगता है, मतलब क्या अजीब नहीं लगता, अच्छा लगता है. जैसे बीच में मेरे को बहुत गंदी आदत लगी थी लास्ट ईयर, हर हफ्ते 2 चक्कर डीएलएफ या फिर कहीं दिल्ली वाले मॉल में लग रहे शिवम के साथ, फिर वो आदत ही छूट रही. बट नेवर माइंड, बैक टू बेसिक. अब जाते जरा सामान लेते हैं. कहते आज वीवो वाली कैप पहनाया मैं जल्दी जल्दी में. ना चाहते हुए कोई पहचान नहीं रहा होगा ना, कैप पहन के पहचान जाएगा. मतलब दोस्त दूसरे कोई जानने वाला वैसे कहती है. बट ठीक है, मेरा मन नहीं वैसे किसी से इंटरेक्ट करने. बट ठीक है, बस स्टोर में आ गया यार. मैं तो रास्ते ही भूल गया उधर का मुसीमो का. हाँ अरे मैं छोटे मोटे ब्रांड तो जाता नहीं सीधा मुसीमो दुत्ती भाई. 10,000 की शर्ट लेने जा रहा हूँ बस, 10,000 की. अरे छोटी मोटी, अरे छोटी मोटी चीज मजाक कर रहा हूँ. मेरी नहीं है, जीजी की है. इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मैंने लेता. एप्पल स्टोर लैपटॉप. हाँ इस साल कॉलेज जाने से पहले फाइनल हो गया. पापा ने मेरे को बोल दिया कॉलेज जाने से पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं. मैंने बोला था, पापा ने भी नहीं बोला था. पापा तो बीच में रेडी भी हो गए थे. बट मैंने कहा कॉलेज जाने से पहले ही
लेकिन वो कह रहे थे दूसरा ले ले। उन्होंने कहा जो तेरे को चाहिए, अगर अगर तेरे को चाहिए तो तेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर तेरे को फिर कॉलेज जाने से पहले मिलेगा। मैंने ठीक है मैं वेट कर लूंगा, वर्थ द वेट है, एटलीस्ट मेरे को मेरी चॉइस का तो मिलेगा। ये नहीं कि फॉर द फॉर्मेलिटी मैंने ऐसा लैपटॉप ले लिया, मतलब एप्पल का ही लेना था, मैकबुक ही लेता वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं मेरे को चाहिए जो कस्टम स्पेक चाहिए ना नहीं मिल रहा था बस मेरे को, और उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ रहा था। सो आई वेटेड एंड आई एम वेटिंग। जीजी का तो सामान ले लिया है, अब जाते हैं ऊपर, मम्मा का जो सामान है वो लेने फटाफट। वो क्या हो रहा, फोटो शूट चल रहा, आंटी ऊपर मेरे एग्जैक्टली ऊपर वाले मंजिल पे फोटो खींच रही थी। अच्छा, जिस स्टोर से मैं निकला हूँ उसकी फोटो खींच रही थी या मेरी? हाँ बड़ा भाई मान जाओ। तो मम्मा ने जो सामान कहा था वो भी ले लिया, नॉलेज स्लीव। ये एक स्टोर कोने में दुकान है, अब इसको ढूंढने के लिए मेरे को पूरा सेकंड फ्लोर के दो चक्कर मारने पड़े, उसके बाद कोने में जाकर बाद में एकदम से उसका नाम दिखा मेरे को, दोनों दिख ही नहीं रहा था। बट नेवर माइंड, आवर वर्क इज डन, नॉलेज को स्टूडियो डालते, सोसाइटी चलते हैं, एक सामान घर पे देते हैं, एक सामान जीजी को देते हैं, और क्या। ये देखो इनको शूट करना था, ये मरे हुए आदमी को चला जा नहीं रहा है, चला जा नहीं रहा है इनसे एकदम। इसका थैला इन्होंने ऐसी दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जिंदा लाया हूँ। फिर आप बोलो कि यार खराब कर दिया माल, ये कर दिया वो कर दिया। अरे जीप कंपास है यार, हर कोई आपकी नहीं है। और आ बड़ा भाई बीमारी सर पे चढ़ गई भाई। रिपोर्ट आई है, शान भैया आए सोसाइटी में, लेकिन कॉल नहीं उठा रहे। वो आया उनका कॉल? पता नहीं, बोल रहा था मैं इनसे आ जाऊंगा या तो। बोला तो मेरे को भी था 22 को आ जाएंगे, तुम नहीं आया होगा फिर, फ्रॉड कर रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे लोग क्या, ओए वर्ड्स क्या बोले इसने, मतलब तो बोलेगा अब भैया तो बोल दे जा, भैया तो बोल दे, भैया बोल 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 बोल। एरएस ने बोला एमआरएफ बैट बनाता है, टायर नहीं बनाता बैट बनाता है विराट कोहली के लिए। विराट कोहली एमआरएफ का बैट यूज करता है, स्पॉन्सर होता है भाई। अबे स्टिकर लगवाता है वो, स्टिकर स्टिकर बोल रहा भाई, ऐसे ही फुटबॉल बैट लगने का बनता है। जा तू झाड़ी में जा, फोन के ऊपर पानी आया भाई, तो वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, पर यही तो लोग पीछे रह जाते हैं। यहाँ लोग स्कूटी लेके आगे चले जाते हैं। मोसीम दुत्ती ठीक है, यही तो नहीं पता डीएलएफ में सबसे महंगा ब्रांड यही है, सबसे एक्सपेंसिव आइटम जहाँ मिलते ना। वॉकिंग करी वॉक, आंटी तेरे को स्टॉक कर रही है, आइसक्रीम खा तू बेटे, तू भी पिटेगा मैं भी पिटूंगा तेरी मम्मी से, जो जाएगी जाएगी कुछ नहीं हो पाया यार। मैं कबड्डी प्लेयर है स्टेट लेवल, शिवांश को आते ही तू भी पहचान। मैं कुछ बोलना चाह रहा था बट ठीक है, आई रिस्पेक्ट आंटी अलॉट, क्योंकि आंटी ने मेरे को बचपन से पाला है, वो सब बड़ा करा है। डैड स्ट्रीट ही कहते हैं सर। सिट देखो घड़ी में गाने बजते हैं, ये शेरपाल भाई, ये जादू भाई, जादू जादू चीता, चीता चुब्बर है। हाँ सॉरी ये तो धर्मपाल है, शेरपाल भाई जादू कुत्ता, उसका नाम भी धर्मपाल। कोई ऐसे मत बोलो किसी को दादे का नाम धर्मपाल, वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। देखते हैं कितने। अरे व्हाट्स तुम्हारा दादा? अरे मिट्टू डॉन, मिट्टू डॉन देख रहे, जूता देख रहे, जूता देख रहे। देखो भाई सरोजनी नगर से लाया, अबे सरोजनी नहीं है ये, ब्लॉग में लिया, शोरूम से खरीदे थे मैंने। अच्छा ठीक है भाई, वो सिर्फ शोरूम में बिल दिखाया था। हाँ ब्लॉग दिखा दूंगा, अभी दिखा दो। मैं झूठ नहीं करता, मैं नहीं करता झूठ। और भाई आइसक्रीम खा ले भाई, नहीं आइसक्रीम खिला तो फोन दे दे भाई। नहीं क्या कह रहा, फोन तो कोई आइसक्रीम, ओए गंदी बातें कर रहा है चले भाई कहीं तो चले, स्कूटी पे घूम के थोड़ा। हेलो हेलो दोस्त, हाउ आर यू दोस्त? आप तो दोस्त बड़े आदमी हो गए, आप तो मिलते ही नहीं हो, हैं दोस्त? पूरे व्लॉग में नहीं लिया मुझे। आप तो बड़े लोग हो गए हो, आप तो भाई से मिलती नहीं हो। सुबह से मेरे को हग्गी दिए एक, आप सो रहे थे, हग्गी आके दिए, देनी होती है ना, तो वंश भैया अगर सो रहे तो आके उठाओ, वंश भैया को पूछी दो, हग्गी दो कि मेरे पे प्यारे भैया उठ जाओ कुछ कर। क्या हुआ गुड्डू, आ जाओ तू मेरे पास आ जाए, गंदी बच्ची है, हमसे प्यार ही नहीं करती, ओलू हमसे प्यार ही नहीं करती है ना, नहीं करती ना हमसे प्यार नहीं करती, इससे कट्टी बोलते कट्टी। ओलू से करता हूँ। मेरे से नहीं करते? करता हूँ। नहीं ओलू से करता हूँ फिर क्या हुआ इसका मतलब? अब दोनों को करता हूँ लेकिन ओलू को ज्यादा करता हूँ। एक सेकेंड से आप 99 100
और मैं आपके यहाँ इन्फिनिटी आपके वो ये दोनों इन्फिनिटी है, आप वो इन्फिनिटी सब इन्फिनिटी अनलिमिटेड जप्पी पालो दोस्त, तुम पाजी जप्पी पालो जप्पी। मेरा मोटू खा ले, चल खा ले आराम से खा ले। भाई मेरे को नींद नहीं आ रही थी घर पे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर नीचे उतर के ना वॉक करते हो, आपसे एक दो बातें कर ली जाए। तो अभी मम्मी पापा के साथ ऐसी नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, एंड आई हैव थॉट ऑफ इट। पापा ने भी ये बोला है कि यार मोटा हो गया बहुत ज्यादा तू। पापा अभी बोल नहीं रहे थे कुछ टाइम से, मतलब उनको फर्क ऑनेस्टली नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ठीक है यार उन्होंने कहा मेरी बॉडी है कुछ भी, बट अब ना मेरा मोटापन पहले दिखता नहीं था इतना थ्रू द टी शर्ट राइट, लेकिन अब वो ना तोंद सी निकलने लग गई है। और उन्होंने कहा तेरा फेस फैट बहुत ज्यादा आ गया, तेरा मसल लॉस बहुत हो गया, सो इट्स बेटर यू स्टार्ट जिमिंग नाउ, ईदर वे यू विल रूइन योर लाइफ, नॉट रूइन योर लाइफ बट रूइन योर बॉडी। एंड दैट्स व्हेन इट हिटेड मी टुडे, एंड आई वाज लाइक चक इट ब्रो, आई विल फिक्स माय स्लीप साइकिल, सेकंड ऑफ ऑल आई विल गो टू एनी टाइम फिटनेस, आई विल जॉइन अ न्यू जिम टुडे एंड मेंबरशिप ले लूंगा, मैं सब कर लूंगा एनी टाइम की। पापा ने जब बोला ना तो ये चीज मेरे को हिट हो गई है कि हाँ अब करना पड़ेगा, नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, सो नाउ फैट टू फिट। And this time, I promise, I won't be inconsistent. I'll be consistent. I'll focus. I'll make a good routine now. अब मेरे को, अब जब पापा ने एक बार, पापा बोलते नहीं यूजुअली, बट जब पापा ने एक बार बोल दिया ना तो वो चीज़ हिट हो गई है, और अब जब वो हिट हो गई है ना तो अब नहीं पीछे हटने वाला मैं। आज सुबह उठेंगे और एक रूटीन बनाएंगे, अच्छा ऊपर जाके मैं सोता हूँ, एक रूटीन बनाएंगे सुबह उठ के, अच्छा कि ये टाइम पे ऐसा करना है, शूट कब करना है, पढ़ाई कब करनी है, जिम कब जाना है। वेल प्लान डाइट भी करूंगा मैं, जितना जंक पेलना था पेल लिया, जितना कुछ करना था कर लिया, अ वेल प्लान डाइट, अ वेल प्लान फूड प्लान, एवरीथिंग वुड बी वेल प्लान, एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक ब्रो, नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। वेल आज का लोग यहीं रैपअप करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके, साइन ऑफ इन कल का ब्लॉग, बहुत बड़े ब्लॉग, गुड नाइट एंड ग्रेट वन।